मुरादाबाद में थाना मंझौला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 साथी चैन स्नेचिंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 55,000 रुपए नगद व एक महिला से लूटी गई सोने की चैन भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी विपिन कुमार, अरुण कुमार, सोनू कुमार से पूछताछ की तो इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। मुरादाबाद के थाना मंझौला पुलिस को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इलाके के कुछ बाइक सवार बदमाश महिलाओं के साथ चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस इन बदमाशों की तलाश में काफी दिनों से थी। आज थाना मंझौला के ही हर्बल पार्क के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के आ रही मोटरसाइकिल को रोकने का पुलिस ने इशारा किया तो उस पर सवार तीनों युवकों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने दौड़कर तीनों युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों के पास से 55,000 रुपए एक सोने की चैन बरामद हुई। पूछताछ की गई तो पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में चल रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में थाना मंझौला पुलिस ने एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और चेन लूटने वाले गिरोह का के लोगों को गिरफ्तार करके उनका पर्दाफाश किया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें विपिन कुमार उम्र 26 वर्ष, पुत्र राम कुमार सिंह निवासी मिलक पंडित नंगला थारा कटघर, अरुण कुमार उर्फ गुंडा उम्र 24 वर्ष, पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम धिमरी थाना मंझौला और सोनू उम्र 32 वर्ष, पुत्र कृष्ण अवतार निवासी भदौड़ा थाना कटघर। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों से पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये सुनसान स्थानों पर जाने वाले व्यक्तियों के चेन स्नैचिंग किया करते थे और उसको वो जो सोनू करके इनका साथी है उसको सुनार है वो उसको बेचा करते थे। तो इनके पास से एक सोने की चेन, 55,000 रुपये नगद और जो घटना ये कारित करते थे उसमें इस्तेमाल की जाने वाली एक अपाचे जिस पे कोई नंबर प्लेट नहीं है इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। विपिन कुमार 2014 में थाना बिलारी से लूट के मामले में गया है। अरुण कुमार 2019 में चोरी के मामले में मझौला से गया है। सोनू कुमार का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और इसमें ये गिरफ्तारी करके जो SOG की टीम और थाना मझौला की टीम ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है और इससे निसंदेह जो लूट की घटना हुई है उन पे आगे भी रोक लगेगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।